यशवंत, ये तुम्हारे लिए है। क्या? लक्ष्मी, कागज की लक्ष्मी। मैं क्या करूं इसका? कुछ नहीं, यही तो वो चाहते हैं, कुछ ना करने का मेहनताना है ये। ले लो। किसने भेजा है? नारकोटिक्स लॉबी ने। ये वो लोग हैं जो रास्ता चलते किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन अगर उन्हें कोई छेड़े तो उसे छोड़ते भी नहीं। रख लो, हमें भी तो नौकरी करनी है। नौकरी के नाम पे भड़वागिरी कर रहे हो तुम। ये कोठी की कमाई जाके अपने बीवी को देना, प्रसाद चढ़ाएगी, भगवान खुश हो जाएगा। क्या बोला? फिर कहूं, बाहर के लोगों से अगर दुश्मनी लोगे तो हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन अगर अपनों से दुश्मनी लोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। जाओ, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जाओ। रागिनी, अंदर मत आ, जूते उतारो। रागिनी, तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ, तुम मुझसे प्यार करती हो? ये भी कोई पूछने की बात है? हाँ। क्यों करती हो? ऐसे आदमी से क्यों प्यार करती हो जो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता? अच्छा घर, अच्छा खाना, कपड़े, गहने, ये सब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे भी नहीं चाहिए। फिर लोग मुझे रिश्वत देने की कोशिश क्यों करते? जूते उतारो। मुझे रिश्वत देने की कोशिश क्यों करते? क्यों अपने जैसा बिकाऊ समझते हैं मुझे? हाँ, क्यों समझते हैं मुझे बिकाऊ, बताओ? ये सब सोच के तुम बार बार अपसेट क्यों हो जाते हो? ये तो होता ही है। क्यों मेरे साथ क्यों होता है? क्या खराबी है? मेरे शक्ल में कोई खराबी है? या मेरे पसीने से बदबू आती है? वो तो आएगी। ये मेरा पसीना नहीं, ये मेरा खून है जो पानी बनकर बहता है मेरे बदन से। क्या हुआ, आज फिर कोई मिल गया? एक एक ईमानदार आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो इसलिए कि वो सब तुमसे डरते हैं, तुम्हें देखकर उन्हें अपनी नीचता का एहसास होता है, तुम्हें गिराना चाहते हैं, अपने जैसा बनाना चाहते हैं। वो सब सोचकर तुम अपने आप को तकलीफ क्यों देते हो? इट्स नॉट वर्थ इट। तुम्हें अपने आप को बदलना होगा। औरों को बदलने की कोशिश छोड़ो। मेरे बारे में कब सोचोगे? हमारे अपने घर के बारे में कब सोचोगे? हमारे होने वाले बच्चों के बारे में कब सोचोगे? हमें उन्हें वो सब कुछ देना है जो हमें नहीं मिला, है ना? तुम्हारा घर, तुम्हारे बच्चे, हो गई पूरी दुनिया तुम्हारी। नहीं, तुम ठीक बोल रहे हो, मैं ही गलत बक रहा हूं। तुम गलत नहीं हो सकते। नहीं, मैं गलत हूं, गलत बोलता हूं, गलत सोचता हूं, बर्दाश्त करना पड़ेगा। बुरा लगे तो मारो, लेकिन मुझे छोड़ के मत जाओ। नमस्ते साहब। साहब, तारापुर टावर के ग्राउंड फ्लोर में पकिया सुखिया रंजीत असलम छुपे हुए हैं। खबर पकी है? 100% साहब। जल्दी कीजिए, नहीं तो लोग वहां से भाग जाने वाले हैं। चलो। सुनो, किसका खत है? चाबी का? चाबी तो मेरे सबके पास है साहब। जा जल्दी कुछ लेके आ जा, कुछ लेके आ जा तोड़ने को। लाया साहब। पहन लो, इसे कुछ नहीं, यहां तक बचेगा, यहां नहीं बचेगा, यहां बैठी तो गए, कौन चलेगा साथ में? हम चलेंगे साहब। मरोगे तो? तैयार है। तैयार है? गवर्नमेंट 25,000 रुपया देगी, मरोगे तो ड्यूटी पर 25,000 मिलेंगे बीवी को, बच्चे भीख मांगेंगे जिंदगी भर, चलेगा? चलेगा। शाबाश।
शाबाश, मेरे को लुटकाएंगे, मेरी फिक्र नहीं करने की उनको इधर या इधर मारने का, समझे? ए ला रे जल्दी चल। यशवंत लोहार, धातु पर हरकत नहीं, भूंडा लूंगा कदम, कुछ हरकत की तो बस्त मार। टाइगर कॉलिंग कंट्रोल। हेलो, तारापुर गार्डन में वाल्या असलम रंजीत सुखिया छिपे हैं, फायरिंग जारी है, जल्दी जल्दी एडिशनल फोर्स और एमिनेशन भेज दीजिए। जोशी तुम एक काम करो, तुम वहां फौरन पहुंच जाओ, वो साला पागल आदमी है, अगर उसने उन लोगों को उड़ा दिया तो हम लोग भाई को क्या जवाब देंगे। ठीक है सर, मैं देखता हूँ। हेलो, मैं फोर्स भेज रहा हूँ। ओह, पुलिस कंट्रोल रूम हियर, तारापुर टावर में फायरिंग चल रही है, सारी पुलिस वहां पहुंच जाए। फायरिंग क्यों बंद हो गई? पिछला दरवाजा तो कवर है, कहीं ऊपर तो नहीं चले गए।
करो। इधर ओके सर। मैं ले तुझे।